हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, बारिश का मौसम हो रहा था और संडे था, उस दिन डुगू का बर्थडे था। आपने प्रिपरेशन तो देख ही ली होगी लास्ट ब्लॉग में। तो पंडित जी आए थे, छोटी सी पूजा करानी थी हमें। तो पंडित जी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे मैं और मेनका दोनों ही रेडी हो रहे हैं। और इस पूजा में ना दीदी और जीजू बैठे थे, क्योंकि एक बार जीजू की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो मम्मी ने ही उनके लिए ये पूजा बोली थी। तो हम लोगों ने सोचा डुगू के बर्थडे वाले दिन ही करा लेते हैं, इसलिए वो दोनों इस पूजा में बैठे थे। तो पूजा खत्म होने के बाद ये लोग हम अपना शाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सुबह की ना मुझे क्लिप नहीं मिली। एक्चुअली सुबह के टाइम पे मैंने पूरी, कचौड़ी, आलू मटर, काशी फल और खीर यही सब बनाया था जो कि पूजा के लिए बनता है। और यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ शाम के खाने की, जिसके लिए मैंने छोले और मटर पनीर बनाया था और अच्छा खासा बनाया था मैंने, काफ़ी क्वांटिटी में बनाया था। तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई है डेकोरेशन, जो घर पर ही छोटी सी करेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि मेनका का अभी डिलीवरी टाइम भी आने वाला है, तो इसी छोटी सी ही हमने पार्टी की थी और वो घर पर ही की थी हमने। तो देखिए यहाँ पे बस खाना बनाने की प्रिपरेशन चल रही है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा किचन फैल गई थी। और यहाँ मेरे बन रहे हैं छोले, छोले के लिए ये बना रही थी मैं। तो ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी भी थी और काफ़ी कुछ चल रहा था। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने ये शूट नहीं करी हैं, मैंने किसी और को बोल दिया था थोड़ा थोड़ा कर लेना। तो खुशी ने ये शूट करी थी और ये हमारी डेकोरेशन हो गई है और इन लोगों का मस्ती मजाक। और यहाँ बच्चे आ गए हैं, इनको थोड़े से गेम्स खिलवाए थे मैंने, डुगू के फ्रेंड्स हैं ये। चलो स्टार्ट। और ये खुशी और ये साथ में चीना है, ये हमारी कज़न है, तो दोनों ही डांस कर रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी।
तो केक कटिंग होने के बाद बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था, और उसके बाद रात में फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के डिनर किया था। मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसको मैंने बुलाया था, तो उसी के साथ मैं बैठी हुई हूँ, और खुशबू भी आई थी। उसके बाद घर इतना मैसी हो गया था, बहुत मैसी हो गया था, बट हम लोगों ने डिसाइड किया था हम पूरा साफ़ कर कर ही सोएंगे। तो यहाँ पर दीदी और मैं दोनों ही लग गए थे, खुशी, रिया और मेनका ने भी सारा दिन बहुत ज़्यादा काम किया था, वो भी बहुत थक गई थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी रात में सब कुछ क्लीन कर दिया अच्छे से, मतलब घर में पूरा साफ़ कर दिया। किचन भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, उसको भी हमने ठीक मतलब ठीक कर दिया, सारे बर्तन और जितना भी डुगू ने अपने टॉयज़ खोले थे, सारे रैपर वगैरह सब कुछ फैला हुआ था। और ये गिफ्ट जो है मेरे भाई ने भेजा वहाँ से, बहुत पसंद आया ये भी हमें। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।